इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में चूंकि ये कहा जाता है कि कानून का राज है, लेकिन ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि कानून के राज में कहीं तो कुछ खामी दिखती है। और अतीक और अशरफ का हत्याकांड जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद ये सवाल बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। यूं सामने से भी विपक्षी लीडर्स इन सवालों को अब जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में, पुलिस के घेरे में, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इतने नजदीक से गोली मारकर अतीक और अशरफ की जान ले लेना, ये सवाल उठाने वाली बात भी है। अब इसको लेकर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। एक पहला कदम ये है कि वो जो 19 पुलिस वाले थे उन्हें सबसे पहले सस्पेंड किया गया, उन 19 पुलिस वालों को अज्ञात जगह भेज दिया गया है। हो सकता है कि मीडिया से दूरी बनाना चाहते हो या फिर ये चीज़ें विवादित ना हो, इसीलिए उन 19 पुलिस वालों को दूर अज्ञात जगह पर रखा गया है। इसके अलावा नैनी की वो जेल जहां पर अतीक का बेटा अली रखा गया है, और अली जब उसने इस घटना के बारे में जाना, अली ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, बैरिक की दीवार पर, उसके दरवाजे पर जो जगह होती है वहाँ पर अपना सर बार बार मार के खुद को चोट पहुँचाने की कोशिश की है। ये कहिए कि अली बार बार या तो बेहोश हो रहा है या तो खुद को नुकसान पहुँचा रहा है, ये गुस्सा भी बहुत ज़्यादा अंदर भरा हो सकता है, क्योंकि उसके पिता और चाचा को जिस तरीके से सरेना गोलियों से छलनी कर दिया गया, ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और देखिए ना, असद भी उससे पहले किस तरीके से इनकाउंटर में मारा गया। अब चूंकि प्रयागराज की नैनी जेल में ही उन तीन हमलावरों को रखा गया, जहां पर लवलेश, सनी और अरुण को रखा गया जो कि इस पूरी घटना में हमलावर हैं, और उसी में अली बंद है यानी कि अतीक का बेटा, और इसी जेल में अतीक गैंग के बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो अपनी सजा काट रहे हैं। ऐसे में जब अली बेकाबू हो गया, अली ने खुद को नुकसान पहुंचाया, तब जाकर जेल प्रशासन को लगा कि कोई बड़ी यहां पर घटना घट सकती है, और अब एहतियातन प्रतापगढ़ जेल में इन तीनों हमलावरों को शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी आशंका बनी हुई थी कि जेल में कोई बड़ा हमला कहीं ऐसा ना हो कि वो सभी कैदी मिलकर या फिर अतीक के गैंग के लोग मिलकर या अली किसी के साथ मिलकर इन तीनों हमलावरों को नुकसान पहुंचा दे, ऐसा एहतियातन किया गया है। सवाल ये भी कि कुछ इंतजाम पहले होने चाहिए थे, ये इंतजाम उस रात भी हो सकते थे जब अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था मेडिकल चेकअप के लिए। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि रात के करीब 10:30 बजे थे, ऐसे रात में कौन सी मेडिकल इमरजेंसी थी, ये दिन के वक्त में क्यों नहीं आखिर पुलिस की टीम मेडिकल चेकअप के लिए लेकर गई। साथ ही साथ उस हॉस्पिटल में जो सुपरिंटेंडेंट चीफ है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हाई प्रोफाइल केस रहते हैं या फिर इस तरह से केसेस रहते हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी के वक्त में भी हुआ था, तो हमारी एक टीम जाती है वहाँ पर जाकर मेडिकल चेकअप करती है, इसमें ज़रूरी भी नहीं रहता कि आप हॉस्पिटल आए ही। ये तमाम वो सवाल हैं। और इन सब के बीच में यूपी सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव भी लिया है, सिर्फ अतीक अहमद या फिर अशरफ ही नहीं या फिर उसके करीबी या गुर्गे ही नहीं, बल्कि ऐसे 61 माफियाओं की पूरी लिस्ट तैयार की है जो यहाँ अपना दबदबा रखते हैं या फिर माफियागिरी में रहते हैं और आतंक मचाया हुआ है। ऐसे 61 माफियाओं की पहचान हुई है, पूरी लिस्ट बनी है, और इन सभी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला है जब जब इस तरह के केसेस सामने आए हैं, किसी मामले में लिप्त पाए गए हैं, और किसी की संपत्ति कुर्क कर लेना मतलब किसी की रीढ़ को तोड़ने जैसा है। माफियाओं से मुक्त कराना चाहती है यूपी सरकार उत्तर प्रदेश को, इसीलिए पिछले कुछ दिन में लगातार बड़े एक्शन हो रहे हैं, और ये अतीक अशरफ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा एक्शन था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरीके से 4 इनकाउंटर इस केस में हुए हैं, उसके बाद यही लग रहा है कि यूपी सरकार, यूपी पुलिस किसी भी तरह से वाकई उत्तर प्रदेश में कानून का राज ही चाहते हैं, और इसीलिए बड़े एक्शन हो भी रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिन में भी कुछ बड़े एक्शन हों।